नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, और ये दिक्कत ऐसी हुई कि क्या बताएं। मुझे ऐसा वीडियो बनाना पसंद नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा जिससे शिक्षक की गरिमा को नुकसान होता है। तो चलिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं और वीडियो है, मैं इसको म्यूट कर दूँगा क्योंकि वह 30 सेकंड का वीडियो वायरल है। एक शिक्षक ऐसी बातें करे वो शोभा नहीं देता, और बातें करे भी तो वीडियो वायरल हो जाए और एक महिला के साथ ऐसी बातें करे तो ठीक नहीं है। तो चलिए, बच्चों के सामने प्रधानाध्यापकों को शिक्षक ने नॉन स्टॉप बोले अशब्द, और देख वीडियो भी वायरल हो गया है, कायदे से वायरल हुआ। तो देखते हैं मैटर कहाँ का है, इसके बारे में बात करते हैं। यह है गोदागांव प्राथमिक विद्यालय करनपुर का एक वीडियो है वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक अपनी साथी महिला शिक्षिका को गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक सदना थाने में मुकदमा किया गया है। पुलिस आरोपित के साथ जुटी है। हालांकि दैनिक जागरण जो ये वीडियो है किसने वायरल किया है किसी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। और मैं भी ये वीडियो म्यूट ही कर दूँगा। खंड शिक्षा अधिकारी गोलापुर से बताया कि जांच की रिपोर्ट बेशक भेज दी गई। थानाध्यक्ष फतेह सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापिका आरती की तहरीर पर केस दर्ज करने कर जांच की जा रही है। 30 सेकंड में कई बार सचिन यादव का वीडियो वायरल 30 सेकंड का है, और महिला शिक्षिका को कई बार अपशब्द कहे। विवाद के समय स्कूल बच्चे मौजूद थे, शिक्षक और प्रधानाध्यापिका के बीच हो रही बहस बच्चे सुनी वीडियो वहाँ पुराना बताया जा रहा है। पूर्व में निलंबित हो चुके सचिन यादव कुछ माह पहले भी सचिन यादव एक वीडियो वाला हो उस वीडियो में शिक्षिका को अपशब्द कहे थे, साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी अपशब्द कहे थे। वीडियो की जांच के बाद उन्होंने निलंबित कर दिया था। बहाल होने के बाद शिक्षक ने दोबारा वही व्यवहार किया। शिक्षिका की शिकायत है कि प्रधानाध्यापिका ने मामलों की शिकायत जिला शासक के तौर पर शिक्षक का प्रस्तुत किया है। शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है, थाना पुलिस को ये हुआ है। तो वीडियो में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपसेंट चढ़ा दी एक हफ्ते की, वो टीचर भी कह रहा है जो गाली दे रहा है वो मैम हेड थी, और कुछ हुआ होगा मैटर तो मुझे नहीं पता है। उस बात पर बिगड़ा और मैम कह रही है वो अधिकारी ने चढ़ाई है, और ये कह रहा है सचिन मतलब जो अध्यापक हैं ये कह रहे हैं कि आपने चढ़ाई, तो इस पर वो गुस्सा हुआ। हो सकता कई दिन आया ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है तो मैं आपके सामने वो वीडियो क्लिपिंग म्यूट करके दिखाऊंगा, और क्योंकि गाली है तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें आएँ, और मैं नहीं चाहता कि आगे भी कोई शिक्षक ऐसी घटिया हरकत करे। एक तो गाली दे रहा है, महिला को गाली दे रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। जब आप एक स्टाफ में रहते हो तो सम्मान करना चाहिए, और अगर आप गलती को मानिए, दो बार एक बार निलंबन भी कर चुका है इनका, हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यही है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, और शिक्षक को भगवान से ऊंचा समझा जाता है, तो उसमें हर समय रहना चाहिए इंसान को। माना कि जो है कभी कभी गुस्सा होता है, लेकिन अब मर्यादा होती शिक्षक की, उस गरिमा को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। पुलिस ने SC ST एक्ट लगाया है, ठीक है, मतलब वो महिला SC थी और वो यादव थे, तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाला उनके साथ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं कोर्ट डिस, तब तक बहन नमस्कार। अधिकारी ने चढ़ाई। आज सुबह दवा